नमस्कार किसान मित्रों, मैं प्रशांत बंसल हंटिन ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा फरीदाबाद से। आज हम इगतपुरी तालुका नासिक महाराष्ट्र में है। आज हमारे साथ किरण भाऊ हैं। किरण भाऊ नमस्कार। नमस्कार। किरण भाऊ आपका नाम पूरा? मेरा नाम किरण शो अजदांडे। गांव? मेरा गांव का नाम पाटली देशमुख, इगतपुरी जिला नासिक है। तो किरण भाऊ यहाँ पर टमाटो की खेती करते हैं और आज हम इनके टमाटर के बगीचे में हैं। और किरण भाऊ को एक हफ्ते पहले से समस्या आई थी यहाँ पर टमाटर में, गेरुआ या गेहुआ जिसको कहते हैं, एक प्रॉब्लम थी जिसके अंदर पत्तियाँ जल रही थी। इसको हम एक बैक्टीरिया या हम फंगल डिजीज़ भी हम समझते हैं किसान लोग कुछ, और इसका इलाज इनको नहीं मिल रहा था, जिसके लिए इन्होंने 3 से 4 कंपनी के स्प्रे लिए। स्प्रे लेने के बाद इनको रिजल्ट नहीं मिला। फिर इन्होंने हंटिन ऑर्गेनिक्स को अप्रोच किया। हमने वहाँ पर 100% नैनोरिच का स्प्रे किया, ट्रायल किया, जिसके बाद इनकी पत्तियाँ ऐसी शाइनिंग हो गई है और गेरुआ तो ख़त्म हो चुका है। गेरुआ में पत्तियाँ श्रिंक हो गई थी, ऐसे मुड़ जाती थी, और अब सारी की सारी पत्तियाँ खुल गई हैं, फ्रेश नज़र आ रही है, जैसे एक नई जान आ गई हो इनके अंदर। और हम किरण बाबू से अब पूछेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। किरण बाबू, आपका जब आपने हंटिन ऑर्गेनिक 100% नैनो रीच को अप्रोच करने से पहले आपने कितनी दवाइयाँ अपने खेत में डाली और क्या बीमारी आपको लग रही थी? किरण भाऊ, तुम्ही जे आतापर्यंत जे वापरलं, जे अडचण आली होती तुम्हाला गेरवासाठी, त्याच्यासाठी तुम्ही आतापर्यंत किती केमिकल वापरले आपल्या हंटिन ऑर्गॅनिक्सच्या आधी? मी आतापर्यंत 3 ते 4 औषधांनी स्प्रे केला, तरीसुद्धा मला माझ्या प्लॉटवर काहीच परिणाम वाटला नाही। मग मी 100% आणि नॅनोरिचचा स्प्रे केल्याच्यानंतर आता बघा, तुम्ही पानं बी एकदम असे सरळ झाली, आणि त्याच्यानंतर जी डावणी माझ्या प्लॉटवर आली होती त्या डावणीचा आता बरंचसा नायनाट झालेला आहे। नाही तर माझा प्लॉट 2 ते 3 दिवसांमध्ये असा डायरेक्ट किडा एक सुक्याप्रमाणे बसून गेला असतो। म्हणजे तुमचं म्हणणं आहे की मी आधी 3 चांगल्या मोठ्या कंपनींचे केमिकल्स वापरले, पण त्याच्याने मला ह्या गेरवावर कुठल्याही प्रकारचं निदान भेटलं नाही, तर मग पण आपल्या 100% तुम्हाला तो रिझल्ट भेटला। आणि तुमचे जे पानं जे सिकुडलेले होते, गोळा झालेले होते, ते आता मोकळे झालेले आणि पत्ती पण तुमची फ्रेश दिसते आणि फुलं पण तुमचे परिपक्व दिसून राहिले। सर, किरण भाऊ का कहना है कि उन्होंने बड़े बड़ी कंपनियों के ब्रांड जो रहता है फंगीसाइड का स्पेशलिस्ट, वो 3 से 4 केमिकल यूज किए थे अपने प्लॉट पे, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। वो लगभग छोड़ने वाले थे सर वो प्लॉट, क्योंकि सुखवा की वजह से पूरा डैमेज हो रहा था, गेरुआ की वजह से पूरे उनकी पत्तियाँ खराब हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने 100% का यूज किया तो अभी उनको एक अलग तरह का रिजल्ट दिख रहा है, बहुत अलग रिजल्ट दिख रहा है। पत्तियाँ भी फ्रेश हो गई है और पत्तियाँ जो सिकुड़ गई थी वो भी खुल गई है, और फ्लावरिंग जो है सर वो भी अभी वेल डेवलप्ड कंडीशन में है। तो किरण भाऊ जो ये प्लॉट छोड़ रहे थे, उन्होंने अभी तक एक बार भी हार्वेस्ट किया है, एक बार भी क्रॉप लिया था इसका? नहीं सर, एक बार भी क्रॉप नहीं लिया। तो किरण भाऊ ने इस प्लॉट को मेंटेन करने में, बनाने में, यानी कि इसका बीज लगाना, उसको बड़ा करना, कितना टाइम उनका लगा? उनकी मेहनत, उनकी इन्वेस्टमेंट, वो सब जीरो हो जाती। जो सिर्फ हंटिन के सिर्फ 100% और नैनो रीच के प्रोडक्ट से उनको रिजल्ट मिला। यस सर। तो किरण भाऊ, आज आप क्या समझते हैं कि आप हंटिंग के साथ आगे आप विश्वास रखते हैं आगे चलने को? हाँ, रखते हैं ना। रखते हैं, बाद में हमेशा अभी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा। और किरण भाऊ को इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि इस स्प्रे के बाद किरण भाऊ अब इसमें सॉइल में सीड ग्रो का एप्लीकेशन फॉलोड बाय डिसनल सॉइल का एप्लीकेशन रहेगा, और आज ये ऑलराउंडर नैनो सेल्फ बम्पर और नैनो रीच का स्प्रे लेंगे, उसका बेनिफिट माइट कंट्रोल, डाउनी कंट्रोल, पाउडरी कंट्रोल, और बम्पर से इसका बम्पर ग्रोथ, फ्लावरिंग प्रोडक्शन। हैप्पी दिवाली, क्योंकि हंटिन है तो हर दिन दिवाली है।